भारत बंद का, और पॉलिटिकली क्या ये संदेश गया इनके पक्ष में या नहीं। दूसरा, कुछ सेक्शन में मैंने ये खबरें भी देखी कि ये इस मुद्दे पर स्पेशली दलित कम्युनिटी में कुछ डिवीजन भी है, कुछ चाहते हैं कि हाँ क्रीमी लेयर लागू हो, और हालांकि काफी संख्या में जो कहते हैं नहीं भी लागू हो। क्या फीडबैक आपको मिला? बिल्कुल, देखिए दो तरह का इसमें समर्थक वर्ग आया है, एक चाहता है कि ये व्यवस्था बनी रहे, एक चाहता है कि क्रीमी लेयर वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही है, वो कहता है। तो ये दोनों विरोधाभासी स्थितियां हैं, जो समाज में जिसको जो फायदा दिख रहा है उस आधार पर वो बोल रहा है। लेकिन जब SC ST आरक्षण की बात आती है तो 23% ही तो आरक्षण है SC का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो लोग लाभ पा चुके हैं एक बार दो बार एक पीढ़ी दो पीढ़ी, जो वह जातियां एकदम लाभ नहीं पाई हैं या संसाधन नहीं है जिनके पास जो परीक्षा में भी बैठ सके तैयारी कर सके, उनमें उनको चिन्हित किया जाए और उनको भी कोटा विद इन कोटा वाली बात ये कहा जाए कि आरक्षण के भीतर एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए जिसमें उनके संख्या के आधार पर, पुख्ता संख्या बल और जानकारी के आधार पर उनको कुछ लाभ दिया जाए आरक्षण का। देखिए आज बात आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किताब क्या कहती है इसके इतर, मैं वो बात कहूंगा जो गांव के बैठे आदमी को भी समझ में आवे। आरक्षण का हक पाकर एक बार दो बार चार बार कितनी बार तक पाएगा पाने वाला, ये एक चीज तय होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका पेट भर जाए तो दूसरों के लिए भी खाना छोड़ दो, कम से कम वो भी खा सके। इस देश में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते नेता अमीर हो गए और गरीबी नहीं मिटी, अशिक्षा वैसे रही। तो जब ये सब 75-80 साल से इस देश ने देखा है तो आज कोई नया बदलाव अगर हो रहा है तो जो बड़े बड़े जानकार हैं, जो IAS PCS बने हैं, वो एक समझाएं, गांव में बैठा आदमी सफाई कर्मचारी नगर निगम का एक, उसके बच्चे को क्या जिंदगी भर सफाई कर्मचारी ही रहना है या उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, कम से कम वो किताब खरीद सके पढ़ सके और कोचिंग कर सके, तब तो वो अफसर बनेगा। लाभ तो तब आएगा जब वो भाग लेगा, भाई दौड़ में ऐसा मिले नहीं है तो आरक्षण कहां से मिले, ये भी तो देखना होगा। जिस देश में गरीबी आज भी अभिशाप हो उस देश में आरक्षण से पहले पढ़ने लायक तो बनाए तब तो आरक्षण लेगा, इस चीज को देखना होगा। ब्रजेश जी, आरक्षण अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए जिसको कभी ना मिला हो, उसके लिए जिसका परिवार बेहद गरीब हो जी, जो IAS बन गया IPS बन गया, उसके बच्चे बन गए IAS IPS, वो कितनी बार आरक्षण का लाभ लेंगे? और आप कह रहे थे अभी कि ये लोग भेदभाव का शिकार होते हैं पोस्टिंग में, जिसके पास माल है रुपया है वो का कौन भेदभाव के कर सकत है, जिसके छत पर चाउर बाप हजारन कौआ लगी है आप छीट के देखो एक बार, सब जिसके पास पैसा है उसके घर दावत खाने वाले हर आदमी जाने के तैयार हैं। देखो वीरेंद्र जी की ओपिनियन कई मामलों में ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करेक्ट होती है, आप सुनिए उनकी बात। बोलिए वीरेंद्र जी, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक करेक्ट होते हैं ये, भाई समानता का सिद्धांत है लिखा है संविधान की किताब में, और जुगाड़ के सिद्धांत को किताब में लिखा है, धन बल और पैसे का सिद्धांत नहीं लिखा है ना, लेकिन चल तो भौतिकवाद है। अगर जो गरीब या जो दलित तबका नौकरी में रह के बड़े पदों पर रह के पैसा कमा लेता है तो वो हर जगह मनचाही पोस्टिंग पा सकता है, उसमें कौन सा रोक है? इक्का दुक्का जगह भेदभाव तो हर जगह उदाहरण रहते हैं, इसके कौन सी बड़ी बात है? बस एक चीज ये जरूर ध्यान देनी होगी कि हम चाह कर भी किसी जात में स्वयं पैदा नहीं होते हैं, हम चाह कर भी किसी गरीब या अमीर घर में पैदा नहीं हो सकते, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हमें जो हमारा नाम मिला है, जो जाति मिली है, वो भी समाज द्वारा प्रदत्त है, माँ बाप द्वारा प्रदत्त है, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब असमानता की बात आती है तो पढ़ने लिखने के लिए
आज 75-80 साल में जो व्यवस्था की गई है वो क्यों ना काफी है, उसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर बातचीत होनी चाहिए जी। गरीब तो ब्रजेश जी ठाकुर पंडित बनिया लाला हर जगह है, हर जात में है। बनिया कहाँ गरीब मिलेगा, कहीं ना मिलेगा है? बनिया नहीं मिलेगा गरीब, वहाँ गरीब कहे नहीं है, छप्पर के मकान है लोगों के, कच्चा मकान है गाँव में आज भी, बनियों के कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, एक सेकंड, हाँ हाँ बोले आप। और खाली बस यह है कि बातें होती हैं, ठीक है समाज में जो गरीब तबका है आरक्षण जारी रहना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी तो आती है जी। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर मरहम लगाना है तो गरीब के जख्मों पे लगा दो, अमीर के इलाज करने के लिए बहुत डॉक्टर दुनिया में है जिसके पास पैसा है, तो गरीब के लिए कौन पूछ, सरकारी अस्पताल में कहूँ पूछ है, कहूँ रेलवे में पूछ है, जाओ हर जगह वही हाल है, खाली बातें होती हैं। आज इस देश में राष्ट्रपति की बात आई, प्रधानमंत्री की जात की बात आती है, आज SC ST के खिलाफ एक निर्णय आया था जिसको मोदी सरकार ने पलटा था, आपको याद होगा जी, वो भी जो कानून था SC ST कानून को, लेकिन जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, किरोली लाल मीणा मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि 23% के आरक्षण को 5% के लोगों को खाने नहीं देना चाहिए, यानी कि जो 5% लोग हैं वो 23% का आरक्षण खा रहे हैं, इन्हीं के समाज के लोग बोल रहे हैं। और भाजपा ने तो बहुत दलितों को आदिवासियों को मुख्यमंत्री तक बना रखा है, इसी सरकार में बना रखा है, और अब तो ये कहा जाने लगा कि भाजपा तो सवर्णों के बजाय OBC और दलितों की पार्टी होती जा रही है, सवर्णों को तो BJP में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, पद नहीं मिल पा रहा, ये भी लोग कहने लगे हैं। ये नई स्टोरी है, लेकिन अब अलग अलग बात जो चर्चा होती हम तो वो कहें जी, बिल्कुल ठीक बात है, कंक्लूड करेंगे। लेकिन गरीब का दर्द जानना है तो भाई ये कैटेगराइजेशन का तो देखना होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रह रहे हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा, उस पर सुधार होना चाहिए। और कोटा विद इन कोटा की जो बात कही गई है, अगर सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को तो कहा गया भाई 100% ना दीजिए, उनका पुख्ता जानकारी कर लीजिए कितनी संख्या उस आधार पर कर दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई हमारे भाई अगर हम आरक्षण का लाभ पा रहे हैं, हमारा गरीब कोई भाई पा जाए, उसमें क्या बुराई। फिलहाल हमने तो किताब की बात नहीं की, जो गांव गिराम चर्चा होती है उसकी बात कही है जी। सुनिएगा कि गरीबी से उठा हूं, गरीबी का दर्द जानता हूं, और आसमां से ज्यादा मैं जमी की कदर जानता हूं, और लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूं, और मजदूर से अफसर बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना लड़ना पड़ता है ये सब जानता हूं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक ओपिनियन।